हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए सिविल सेवा परीक्षा के लिए करंट स्कैन, जो कि हिंदी में है। और आज यहां पे 13 मई की तारीख है, तो आज हम यहां करंट अफेयर्स देखेंगे आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। औरंग राष्ट्रीय उद्यान, इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी यहाँ पे ये कौन सा बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, ये बताना है आपको। पहला है, यह अरुणाचल प्रदेश के दरांग और सोनितपुर जिलों में स्थित है। देखिए, पहली बात, पहला वाला कथन गलत है। यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि आसाम के दरांग और सोनितपुर जिलों में है, यानी आसाम के जिले हैं ये। ठीक है, आसाम के दरांग और सोनितपुर जिलों में है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर 78, यानी कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर है आपकी, उसके तट पर, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और ये कितने मील में फैला हुआ है, ये फैला हुआ है आपका 78.81 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ये। ठीक है, तो पहला वाला कथन तो गलत है। सेकंड है, इसे 5वां नवीनतम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। देखिए, सेकंड वाला भी गलत है। देखिए, हमारे देश में 50 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में तो 49 और 50 वाले जो हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं, 49 और 50 वाले। तो आप लोगों को याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, ओके का मतलब हो गया ओ से औरंग। ठीक है, ओ से औरंग और के से कमलांग। के से कमलांग, ये दो जो हैं ये नाम आप याद कर लीजिए। ठीक है, यानी ओके, ओ से हो गया औरंग और सी से, के से हो गया कमलांग। ठीक है, औरंग जो है 49वां है, यानी कि ये 49वां है। कमलांग जो है ये 50वां है। ठीक है, तो और इसे 2016 में, यानी कि ये कब बनाया गया, 2016 में इसे जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और कमलांग जो है ये अरुणाचल में पड़ता है, एपी में, अरुणाचल प्रदेश में है। और इसे बनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व है, यानी 2016 में दोनों बनाए गए हैं। 2016 में 49वां बनाया गया औरंग, जो कि आसाम में पड़ता है, और 50वां बनाया गया वो है कमलांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हैं, तो ये आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। पहला है, वर्षाधारी परियोजना महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आरंभ की गई थी। देखिए, पहला वाला कथन सही नहीं है। वर्षाधारी परियोजना जो है ये कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटका की जो सरकार है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये 22 अगस्त 2017 को ये परियोजना 22 अगस्त 2017 को बंगलुरु में कृत्रिम वर्षा हेतु वर्षाधारी परियोजना की शुरुआत की थी। और कर्नाटक में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार कृत्रिम वर्षा के लिए पूर्व में चलाई गई वर्षाधारी परियोजना को पुनः ये अपनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पहला वाला कथन तो गलत है। सेकेंड है, कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सेकंड वाला कथन तो सही है कि क्लाउड सीडिंग के लिए, क्लाउड सीडिंग जो होती है, यानी कि जो क्लाउड सीडिंग है, इसमें सिल्वर आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राई आइस को विमानों का उपयोग कर आसमान में हवा की विपरीत दिशा में छिड़का जाता है। और कृत्रिम वर्षा की इस प्रक्रिया में बादल के छोटे छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं और संघनन से उनका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इससे जल की बूंदें भारी हो जाती हैं और वर्षा होने लगती है। ये प्रोसेस है। इसके लिए देखिए, साउथ लीडिंग यानी क्लाउड सीडिंग की जाती है, और क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड और जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ये पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला वाला कथन सही नहीं है, तो आंसर है केवल एक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, विश्व बैंक ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना डी रिप ड्रिप, ठीक है, बांध पुनर्वास और सुधार योजना के तहत 6 राज्यों में लगभग 960 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्त पोषण प्रदान किया है। देखिए, पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है कि अभी विश्व बैंक ने, यानी हाल ही में विश्व बैंक ने 6 राज्यों के तहत 220 से भी अधिक, 220 जेम्स
में 960 करोड़ का यहाँ पे अतिरिक्त जो है वित्त पोषण किया है। इसमें कर्नाटक, देखिए इनमें ये बांध जो है कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में स्थित है। यानी कि ये 220 बांध जो है इन 6 राज्यों में स्थित हैं। ये 6 राज्य हैं आपके, 6 स्टेट्स हैं, तो इनमें ये कितने बांध स्थित हैं, 220 बांध इसमें स्थित हैं। यानी 220 डैम्स इनमें स्थित हैं, ये आप जान लीजिए। तो इनके लिए 960 करोड़ का जो है यहाँ पे वित्त पोषण किया गया है। तो देखिए दोनों ही कथन सही हैं, तो यहाँ आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। देखिए आपको जानना जरूरी होगा कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत कितने राज्य हैं, 6 राज्यों को लाभ मिलेगा, 960 करोड़ का मिलेगा, और कौन दे रहा है रुपए, ये वर्ल्ड बैंक दे रही है रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है थर्ड का सी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, यह देश में अपराध के आंकड़ों का संग्रह, रख रखाव एवं विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। देखिए राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी कि NCIB, इसे शॉर्ट में बोलते हैं NCIB, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, इन्वेस्टिगेशन तो छानबीन वाला हो गया, रिकॉर्ड ब्यूरो है यानी कि NCRB, ठीक है, NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका ये जो है, यह देश में अपराध के आंकड़ों का संग्रह, रख रखाव और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। देखिए यहाँ पे पहला वाला कथन सही हो जाएगा, फिर मैं NCIB सोच रहा था, ये आईबी नहीं है, आरबी है, ठीक है, NCRB है। और ये जो है आपका मतलब क्राइम से रिलेटेड, जो भी आपके क्राइम से रिलेटेड आंकड़े हैं उनका संग्रह, रखरखाव और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है NCRB। तो पहला वाला कथन सही है। सेकंड है, NCRB का गठन 1984 में किया गया था। देखिए सेकंड वाला कथन गलत है, NCRB का गठन 1986 में किया गया था, 1986 में किया गया था। और यह देश में अपराध से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, रखरखाव एवं विश्लेषण के लिए उत्तरदायी भी है। तो देखिए यहाँ पे केवल पहला वाला कथन सही है, तो यह आंसर है केवल एक। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में सीआईएसएफ का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीआईएसएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला है, सीआईएसएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। देखिए पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है, सीआईएसएफ जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो इसके अधीन है ये। सेकेंड है, इसका गठन केंद्रीय वन सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत किया गया था। ठीक है, सेकंड वाला कथन यहाँ पे सही नहीं है, इसका जो गठन था ये केंद्रीय वन सुरक्षा बल अधिनियम के तहत नहीं किया गया, बल्कि इसका गठन जो किया गया था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। और देखिए आपसे मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, केंद्रीय औद्योगिक बल सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, इसके तहत एक बात और बोलना चाहूंगा मैं आपसे, टाइम मिले तो आप इसका वीडियो जरूर देखना, लगभग 8 मिनट का वीडियो में मतलब उन्होंने अपनी ट्रिक्स टेक्निक दिखाई है, कैसे हमें डिफेंड करना है, कैसे किसी VIP गेस्ट को हमें डिफेंड करना है, तो उस सब की ट्रेंड जो है वहाँ पे वो डेमो दिया गया है, तो वो वीडियो को आप जरूर देखें, लगभग 7 मिनट का वीडियो है, काफ़ी अच्छा वीडियो है, आप वीडियो देखेंगे तो आप भी रोमांच से भर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ केवल पहला वाला कथन सही है, तो यह आंसर है केवल एक। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हाल ही में खोजे गए एस्ट्रोबाट्राचस कुरिचियाना मेडक के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। एस्ट्रोबाट्राचस कुरिचियाना, ठीक है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, केरल के कोल्लम जिले में इसकी खोज की गई। देखिए पहला वाला कथन गलत है, केरल के कोल्लम जिले में नहीं बल्कि केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, यानी केरल के वायनाड जिले में इसकी खोज की गई, ये आप जान लीजिए, वायनाड जिले में इसकी खोज की गई, तो पहला वाला कथन गलत है। सेकंड है, मेडक का नाम केरल के कुरिचिया जनजाति के नाम पर रखा गया है जो तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए सेकंड वाला कथन सही है, वैज्ञानिकों की एक टीम ने नई प्रजाति के मेडक को एस्ट्रोबाट्राचस कुरिचियाना नाम दिया है क्योंकि विविध रंगों एवं आकार वाला यह छोटा मेडक एस्ट्रोबाट्राचस वंश से संबंधित है और मेडक का नाम केरल के कुरिचिया जनजाति के नाम पर रखा गया है जो तीरंदाजी के लिए फेमस है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन केवल सही है, तो यह आंसर है बी, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के संदर्भ में यह बताना है कौन सा कथन सही है।
पहला है आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वर्ष 1925 में लागू किया गया था और स्वतंत्रता के बाद भी इसे बरकरार रखा गया। देखिए पहला वाला कथन जो है ये सही नहीं है, यानी कि ये पहला वाला कथन जो है ये सही नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये 1923 में लागू किया गया था, 1923 में लागू किया गया था, 1925 में नहीं बल्कि 1923 में लागू किया गया था और स्वतंत्रता के बाद भी इसे बरकरार रखा गया। सेकंड है यह कानून जासूसी, यानी यह कानून जासूसी, साझा गुप्त जानकारी, वर्दी का अनधिकृत उपयोग, जानकारी रोकना, निषिद्ध प्रतिबंधित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के कार्यों में हस्तक्षेप को दंडनीय अपराध बनाता है। तो यह सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 है ये क्या करता है, 1923 जो एक्ट है ये करता क्या है, ये करता है कि मान लो कोई कानूनी जासूसी कर रहा है, यानी कि मान लो कोई सेना की जासूसी कर रहा है, किसी आर्मी बेस की जासूसी कर रहा है, या किसी आर्मी की वर्दी को पहनकर कोई अनाधिकृत उपयोग कर रहा है, या फिर आर्मी का कोई कार्य है, यानी कि या सशस्त्र बल जो है उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप यानी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह दंडनीय अपराध के तहत माना जाएगा, दंडनीय अपराध के तहत माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाला कथन यहाँ सही है केवल, और तो यहाँ आंसर है बी। और सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के लिए लागू यह कानून राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने और जासूसी, राजद्रोह और अन्य संभावित खतरों से निपटने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है, ये भी जान लीजिए आप। तो यहाँ बारे में का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती चरण, हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती चरण के अंत्येष्ट रिवाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताइए कौन सा कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती चरण के अंत्येष्ट रिवाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला है खोदी गई कब्रों में सबसे बड़ी 6.9 मीटर लंबी और सबसे छोटी 1.2 मीटर लंबी है। देखिए पहला वाला कथन सही है। देखिए अभी हाल जो है हाल ही में कच्छ, यानी गुजरात के कच्छ जिले के, यानी गुजरात का मैं बता रहा हूँ, गुजरात का जो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कच्छ, यानी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे कच्छ, डिस्ट्रिक्ट है आपका कच्छ, और यहाँ पर इसका एक गांव है, गांव का नाम है खटिया, और यहाँ का विलेज है खटिया, यानी कि यहाँ पर एक गांव है, विलेज जो है यहाँ पर खटिया विलेज है, विलेज खटिया। तो यहाँ पर अब केरल विश्वविद्यालय में, यानी केरल विश्वविद्यालय खटिया विलेज है, तो यहाँ पर गांव में केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और छात्रों के एक समूह के द्वारा पुरातत्विक जो है खुदाई की गई, और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती चरण के दौरान प्रचलित जो यानी कि जो अंत्येष्ट के रिवाजों पर प्रकाश डाला गया, और उन्होंने अलग अलग दिखने वाली यहाँ पर 300 कब्रों में से 26 कब्रों की खुदाई की, यानी 300 कब्रों में से 26 की खुदाई की, जिसमें 6.9 मीटर लंबी और सबसे छोटी 1.2 मीटर लंबी थी। तो यह पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है सब के बगल में रखा गया सामान संभवतः मृत्यु के पश्चात जीवन की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। देखिए ये बात सही है, सबके बगल में आपने देखा होगा तमाम जो कब्रें पाई गई हैं उनमें ये ऐसा सोचा जाता था कि सब मतलब मरने के बाद मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो इस अवधारणा के साथ उनके साथ वो बहुत सारा सामान रख देते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन, कलाकृतियां, संघ चूड़ी, पत्थर, टेराकोटा से बने मोती और कई और उपकरण भी शामिल थे। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही है, तो आंसर है सी, यानी एक और दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, डेलाइट सेविंग टाइम इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है भारत डेलाइट सेविंग टाइम का पालन करता है। देखिए पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है, भारत जो है ये डेलाइट सेविंग टाइम का पालन करता है, पालन नहीं करता है। देखिए पहला वाला कथन सही नहीं है, भारत डेलाइट सेविंग टाइम का पालन नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास के देशों में मौसमों के बीच दिन के समय उच्च विविधता का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, सेकंड है डेलाइट सेविंग टाइम नवंबर में प्रारंभ होकर मार्च के पहले रविवार को समाप्त होता है। देखिए सेकंड वाला कथन गलत है, डेलाइट जो है ये मैं बता रहा हूँ, डेलाइट कब शुरू होता है, मार्च से प्रारंभ होकर नवंबर के पहले रविवार को समाप्त हो जाता है, यानी कि मार्च में प्रारंभ होता है, मार्च से लेकर नवंबर का फर्स्ट संडे जो होता है वहां पर यह डेलाइट सेविंग टाइम खत्म हो जाता है, नवंबर के फर्स्ट संडे को यह डेलाइट सेविंग टाइम खत्म हो जाता है, फर्स्ट संडे को। ठीक है, तो यहाँ पहला वाला कथन गलत है और दूसरा वाला भी गलत है। और देखिए ग्रीस ऋतु में दिन बड़ा होता है, दिन के प्रकाश का अधिकतम उपयोग करने के लिए कई देश गर्मियों में अपनी घड़ियों को 1 घंटा आगे सेट कर देती हैं ताकि कार्य को जल्दी शुरू करके जल्दी खत्म कर सकें, और कुछ दिन बाद वे देश फिर से अपने मूल समय पर वापस आ जाते हैं, इसे डेलाइट सेविंग टाइम के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। और डेलाइट सेविंग टाइम जो है इसका भारत पालन नहीं करता है, आप ये भी मैंने बता दिया। तो यहाँ दोनों ही कथन गलत है, तो यहाँ आंसर है डी, ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ल्ड वाइड वेब के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-नील ने 1986 में किया था। देखिए पहला वाला कथन गलत है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-नील ने तो किया था लेकिन 1986 में नहीं करके बल्कि 1989 में किया था, 1989 में किया था, ठीक है। सेकंड है हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब ने अपनी रजत जयंती मनाई है। देखिए सेकंड वाला कथन सही है, 12 मार्च 2019 को वर्ल्ड वाइड वेब ने 30 साल यानी इसके 30 ईयर इसने कंप्लीट कर लिए, तो 30 ईयर कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में इसने WWW को डूडल समर्पित किया था, गूगल ने WWW को डूडल समर्पित किया था, ठीक है। और ये इसने अपनी रजत जयंती के रूप में से मनाया, तो यहाँ सेकंड वाला कथन सही है। तो इस रजत जयंती नहीं मनाई, देखिए रजत जयंती नहीं होता है ये, रजत 25 साल वाली रजत जयंती होती है, 25 ईयर पर रजत मनाई जाती है, मैं भूल गया, 25 ईयर पर सिल्वर जुबली मनाई जाती है, ठीक है। ये आपसे मैंने पूछा भी था, 25 ईयर पर सिल्वर जुबली मनाई जाती है और 50 पे मनाई जाती है आपकी जो गोल्ड जुबली, ठीक है। तो यह सेकंड वाला कथन भी गलत है, यानी हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब ने अपनी रजत जयंती नहीं मनाई बल्कि इसने 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गूगल जो है डूडल के रूप में क्या होता है, गूगल का जो होम पेज होता है उस पर विभिन्न आकृतियां बना दी जाती हैं, गूगल का लोगो चेंज करके वहां आकृतियों के रूप में समझाया जाता है कि ये घटना इससे संबंधित है, ठीक है। तो गूगल ने डूडल बनाकर इसे सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ दोनों ही कथन गलत हैं, तो यहाँ आंसर है डी, ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा देखिए आप लोग काफ़ी सारे लोग जो हैं परेशान भी हो जाते हैं, कभी कभी परेशान ऐसे हो जाते हैं कि मैं कभी प्रॉपर वे में कभी कभी वीडियो दे नहीं पाता हूँ, जैसे कि आपका आर्ट एंड कल्चर वाला वीडियो। देखिए आर्ट एंड कल्चर वाला वीडियो पहली बात तो ये है वो लेंथी चैप्टर हैं, लेंथी चैप्टर होने के अलावा अभी 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, बिजी होने की वजह से मैं खुद उसे मतलब प्रिपेयर नहीं कर पाया, और जब खुद प्रिपेयर नहीं कर पाया तो ऑब्वियस ही बात है कि आप लोगों तक वो वीडियो नहीं मिल पाएगा, इसी वजह से वो डिले हो गया। देखिए आप लोग धैर्य रखें, ऐसा नहीं है मैं बीच में कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप लोग अगर मेरे साथ अगर चलेंगे तो यकीन मानिए मैं 6-8 महीने के भीतर प्रीलिम्स और मेंस की जितना जो आपको कंटेंट है, जितना नोट्स बनवाना है वो सब बनवा दूंगा। लेकिन थोड़ा ये है कि अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, यानी टाइम का मेरे पास अभाव है, टाइम जैसे ही मिलेगा तुरंत मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, और आपको डेली अब 2 वीडियो तो कम से कम मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।